नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रिड जिम वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। भाजपा के कार्यालय त्रिकुटा नगर में आज संकल्प रैली को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जम्मू कश्मीर यूटी रविंदर रैना ने आज पाकिस्तान के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए और 1947 में किस तरीके से पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा पीओजे के पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है उसको इलीगल तरीके से अपने साथ रखा उसके बारे में बोला। आइए देखिए क्या कहा रविंदर रैना ने। गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता था, जैसे आज के जमाने में चंडीगढ़, दिल्ली, लंदन, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, इस प्रकार उस जमाने में मीरपुर होता है। और इसीलिए जब 22 अक्टूबर को मीरपुर पर हमला किया गया और वहां किस तरीके से वहां की जनता का कत्लेआम किया गया, इतिहास के पन्नों में हमने पढ़ा। और जो हमारे पुराने बुजुर्ग हैं उनसे भी हमने यह सुना है कि किस प्रकार 1947 में उस वक्त पाकिस्तानी सेना ने हमला किया। अब चूंकि ट्रीटी थी, दूसरे देश पर हमला नहीं किया जा सकता, तो यह एक बहाना बनाया गया, किताबों में लिखा गया कबायलियों का हमला था। और जिसको हम आज भी बोलते, कबायली क्या होते हैं जी? 1947 में जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, उस वक्त कितनी गुर्बत थी, गरीबी थी, मकान नहीं, कुछ नहीं, तो उस वक्त ये ट्रेन सोल्जर कहां से आ गए वो बंदूकें लेके? उनके पास आर्म्स एंड एमिनिशन कहां से आया? वो कोई ट्राइबल नहीं थे, वो कोई कबायली नहीं थे, वो पाकिस्तान की सेना थी।